तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड इसको आपको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। एंड इसको मैं बता देता हूँ कि ये क्लास टेंथ में देखिए कितनी बार आ चुका है। ये आ चुका है 2011 में आया था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 2010 में भी आया था, 9 में भी आया था। उसको बाकी मैंने सिर्फ 10 साल का ही लिखा है कि 2020 में आया था, 2019 में आया था, 2018 तो 19 साल में आ चुका है, तो इस बार भी इसके आने के चांसेस है, मतलब 2021 में। तो इसको आप कैसे आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे आसान ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ और उसमें लिखने का भी, आपको एग्जाम में लिखने के भी कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको 100% आपको अगर ये 3 नंबर का आता है तो 3 मिलेंगे, 6 का आता है तो 6 मिलेंगे। और ये देखिए जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर सूरदास जी का जीवन परिचय, ये है हिंदी पद्य से। गद्य का मैंने 2 जीवन परिचय कंप्लीट करा दिया, आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए हम देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, सबसे पहले आप नाम याद करिए, आप किसका याद कर रहे हैं, तो नाम है इनका सूरदास। क्या नाम है? सूरदास। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आप याद करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। अब देखिए सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1478। इनका जन्म आपको याद हो गया, आपको पहले पॉइंट बाय पॉइंट याद करना है, लिखना आपको बाद में, वो सब आप बुक से ही याद कर लेंगे अच्छे से। अगर आप इतना पता रहेगा तो आप लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले अगर आपको इतना पता रहेगा तो देखिए, नाम सूरदास एंड इनका जन्म, तो इनका जन्म है 1478 ईस्वी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर है जन्म स्थान, मतलब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो देखिए जन्म स्थान में लिख देंगे रूनकता। रूनकता मैंने यहाँ पर ग्राम क्यों लिखा है, क्योंकि रूनकता कोई शहर का नाम नहीं है, रूनकता गांव का नाम है। कहाँ का नाम है? गांव का नाम। उसके बाद देखिए पिता का नाम, पिता का नाम क्या है? रामदास। अगर देखिए अगर आपको ये सब याद रहेगा तो आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में हुआ था, इतना बन जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे इनके पिता का नाम रामदास था। उसके बाद अगर आप बुक से पढ़ लेंगे, एक बार मान लीजिए आपने पढ़ लिया बुक, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यही यही रहेगा। बट अगर आपको पॉइंट नहीं याद रहेगा तो आप पॉइंट क्या लिखेंगे, एंड पॉइंट को आपको अंडरलाइन करते जाना है या फिर पॉइंट को आप ब्लैक पेन से कर दीजिएगा। एंड अगर आप वहाँ पर ब्लैक पेन का यूज़ कर देते हैं पॉइंट में, तो उसमें यह होगा कि एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट वहीं पर पड़ेगी, और अगर आपका पॉइंट सही है तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स ही देगा। अब इसके बाद देखिए आता है गुरु। अब देखिए इनके गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य। तो ये थे इनके गुरु, ये हो गए सूरदास जी के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य। उसके बाद देखिए है निवास स्थान, निवास स्थान मतलब सूरदास जी रहते कहाँ थे। तो देखिए इनका निवास स्थान है श्रीनाथ मंदिर, ये एक श्रीनाथ की मंदिर थी पहाड़ी पर, तो वहीं पर वो रहते थे। आप पढ़ लेंगे आपको पता लग जाएगा। अब इसके बाद है मृत्यु। अब देखिए इतना लिख देंगे, ये सब पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब पहले आप याद कर लीजिए, उसके बाद अभी आपको लिखने का ही बताता हूँ। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई थी, इनका मृत्यु स्थान पारसौली में हुआ था, पारसौली में हो गया था इनकी मृत्यु। तो देखिए अब आप इसको लिखेंगे कैसे, पहले आप देखिए अगर आपको जो मतलब इस तरह था थ्योरी वाइज की, जैसे सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में हुआ था, इनके पिता का नाम रामदास तथा इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य था, तथा ये श्रीनाथ जी के मंदिर में रहा करते थे, और मतलब ऐसे ही है, इनके मृत्यु पारसौली में 1583 में हो गई थी, तो इतना मान लीजिए सब तो रहेगा। एक आध पेज आप बुक से भी पढ़ लेंगे तो आप अपने मन से बना के बुक से अगर पढ़े रहेंगे तो लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो मैं अभी आपको बताया, ये सब आप बगल में यहाँ पर ऐसे यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ऐसे छोटे छोटे आप लिख लीजिएगा कॉर्नर में। यहाँ पर लिखिएगा नाम, फिर यहाँ पर सूरदास, फिर यहाँ पर जन्म, उनका जन्म। तो ऐसे अगर आप छोटा सा लिखे रहेंगे तो इससे होगा क्या कि एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट वहीं पर पड़ेगी, और वो अगर देखेगा हाँ ये आपने सही लिखा है, तो आपका ये जो ज़्यादा आपने थ्योरी पढ़ा इसीलिए मैंने कहा कि इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं, ये आपका नहीं पढ़ेगा, वहीं पढ़कर डायरेक्ट नंबर दे देगा। तो ये तो बात हो गई दो नंबर, अगर टेंथ में है तो ये सिर्फ दो ही नंबर का आता है, एक नंबर का रहता है रचनाएं। तो रचनाएं भी हम देख लेते हैं, देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली। क्या है? साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, जो है कि है इनकी प्रमुख रचनाएं। तो इनकी रचनाएं लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर से आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जो भी वीडियो चाहिए आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।